बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में देर रात एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में देखा गया। ड्रोन भारतीय क्षेत्र में कुछ मिनट तक रुका और फिर वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है कि कहीं ये ड्रोन ड्रग्स या हथियार गिराकर ना गया हो। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, और क्या डिटेल्स आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए पूजा, रात को लगभग 10 बजे के करीब एक ड्रोन जो था वो सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में घुसा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो रामगढ़ सेक्टर है जिला सांबा का, और वहां पर कुछ देर ड्रोन जो है वो भारतीय क्षेत्र में रहा, और जब सुरक्षा बलों को पता चला तो ड्रोन जो है उस समय वापस निकल चुका था। लेकिन उसी समय अलर्ट साउंड किया गया। बीएसएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें डिप्यूट की गई और पूरे इलाके को सील किया गया है, और रात से ही सर्च ऑपरेशन वो शुरू किया गया है। कहीं माना जा रहा है कि कहीं ये ड्रोन कहीं हथियार या फिर ड्रग्स ना गिराकर गया हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पंजाब और जम्मू कश्मीर में बहुत हो चुकी हैं, जिसमें ड्रोन सीमा पार से आकर हथियार गिराकर जाते हैं। तो रात को भी एक पाकिस्तानी ड्रोन जो था वो यहां पर स्पॉट किया गया रामगढ़ सेक्टर में, जिसके चलते पूरे इलाके को सील करके जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें और बीएसएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। बिल्कुल पवन, हाल के दिनों में इस तरीके की कई घटनाएं हुई है जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश की गई हो। ऐसे में बेहद जरूरी है कि सील करके पूरे इलाके को इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि की जा रही है कि कहीं कोई हथियार या ड्रग्स भेजने की कोशिश तो नहीं की गई।